तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा HPCL का अभी जो विशाख रिफाइनरी का जो आंसर की जारी हो गया है, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो उसी के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन था कि अभी कुछ दिन बाद विद इन 20 डेज अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उसके बाद जो भी स्किल टेस्ट होता है उसके बारे में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है और स्किल टेस्ट कितने दिन के बाद, मतलब कि रिजल्ट पब्लिश होने कितने दिन बाद स्किल टेस्ट होगा। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो का फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो एक लाइक कर देना। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि HPPT टेस्ट कितनी देर बाद होगा रिजल्ट पब्लिश होने के बाद। तो रिजल्ट पब्लिश होने के जस्ट 1 वीक के बाद HPPT टेस्ट हो जाता है। तो 1 वीक के बाद, मतलब कि रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपके पास 7 से 8 दिन का टाइम रहेगा कि आप लोग HPPT टेस्ट का तैयारी कर सको इसके लिए। तो इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। और रिजल्ट कब होगा जारी, तो इसके बारे में मैं बता दूं तो रिजल्ट इसका 20 डे के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं भी तो इस मंथ के लास्ट, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना है। HPPT टेस्ट में आपको क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बातों को आपको जानने की ज़रूरत है, जिससे कि आप लोग HPPT टेस्ट को आसानी से क्लियर कर सके। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यह जो HPPT टेस्ट होता है वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की तो कोई बात है ही नहीं। आप लोगों को बस इस, क्योंकि आपने तो CBT मोड पे आप लोग एग्ज़ाम तो दे ही दिए, वहाँ आप लोग मार्क्स भी अच्छा स्कोर किए हो, तो आपको वहाँ तो आपका नॉलेज तो देख ही लिया गया। बस यहाँ आपका नेचर, मतलब कि आपका स्किल देखा जाएगा। यहाँ पे स्किल में क्या क्या देखा जाएगा, वहाँ आपको क्या क्या पूछता है, जैसे कि इंडियन ऑयल का भी अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको पता है कि उसमें भी स्किल टेस्ट होता है, एंड इसमें HPCL में भी। तो इंडियन ऑयल का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला भी अगर देखिएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट मैं ये इस वीडियो में भी मैं क्लियर कर ही देता हूँ कि क्या क्या पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है, कुछ पूछता है आपका नॉलेज कितना है वो सब, मतलब बोलने का तरीका ये सब देखता है, ढंग देखता है, तो किस तरह से आप बोलते हैं बैठते हैं, मतलब जितने भी आपको बॉडी लैंग्वेज हो गया, फिर आपका स्किल कैसा वो है, वो सारा कुछ यहाँ पर टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आपको अपने बारे में पूछ देगा, या फिर आपने कुछ किया है, मतलब कहीं से अप्रेंटिस किया है, फिर कहीं जॉब कर रहे थे, तो उसके बारे में पूछेगा कि आपने कहीं कुछ किया है, या फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है। तो अगर कहीं से अप्रेंटिस वगैरह किए हुए हो तो आप लोग ओबियसली वहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके विषय में आपको बुक से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपका वर्क से ही क्वेश्चन पूछेगा। और अगर आप कुछ नहीं किए हो तो आपको वहाँ पर आपका बुक से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि अगर मैं अपना मैकेनिकल के बता दूँ, तो मैकेनिकल में कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछता है, FM से, अगर FM का जो बेसिक है, जैसे कि उसका प्रॉपर्टी वगैरह ये सब आपको क्लियर कर लेना है, बेसिक क्लियर कंसेप्ट करना है, और थर्मल से भी, थर्मोडायनेमिक से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बता दूँ इसके बिहाइंड बिहाफ अगर मैं आपको बता दूँ तो क्या क्या और पूछता है, तो और पूछता है प्रैक्टिकली नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज रहेगा तभी जाके वहाँ पर आप फील्ड पे आपको वर्क कर सके। इसलिए आपको प्रैक्टिकल लैब में ले जाएगा, फिर वहाँ पे आपका देखेगा, जैसे कि आपका अपना ट्रेड के हिसाब से आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल है, फिर कोई भी हो, तो अगर आपको माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, इसके बारे में दिखाएगा कि ये क्या है और इसका यूजेस क्या है। तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ है, इक्विपमेंट, उसका यूजेस एंड क्या है, उसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिए। डिटेल भी नहीं, पर थोड़ा बहुत भी उसके बारे में नॉलेज होगा तो आप लोग आसानी से बोल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी ही होना चाहिए, बट आप थोड़ा बहुत ही बोल रहे हो तो आपके लिए ये बेटर है। तो जैसे कि मैं बता दूं, वर्नियर कैलिपर अगर आप
से पूछा जा रहा है। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में आपको क्या क्या बोलना है यूजेस में। तो जैसे वर्नियर कैलिपर से आप लोग क्या मेजर करते हैं, डायमीटर, जैसे कोई भी सिलेंडर हो गया, मैं कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर यह देख सकते हैं, ये बोतल हो गया, ये इसको मान लीजिए एक सिलेंडर। तो इसका अगर आपको डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर तो आपको देख ही लिए होंगे। तो वर्नियर कैलिपर का एक्सटर्नल अगर डायमीटर मेजर करना है तो ये वाला एक्सटर्नल डायमीटर होता है सब मेजर। फिर इंटरनल डायमीटर के लिए यहाँ से डाया मेजर किया जाता है। फिर इससे और एक चीज़ मेजर होता है, वो होता है डेप्थ, मतलब इसका गहराई कितना है, डेप्थ मेजर करता है ऐसा। तो कुछ इस तरह का यूजेस है, यही दो तीन यूजेस है, यही बता दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। इसी तरह के आपको, आपसे जो अपना ट्रेड के हिसाब से कौन कौन सा है आपको तो पता ही है। तो आई होप कि आपको ये छोटे से वीडियो पसंद आए हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।